इसमें भरत का माता का क्या नाम है? कोई कोई का कान में लगा दिया। अरे तेरा बेटा नजर नहीं होएगा, क्या क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रामचंद्र भी मेरा पुत्र जैसा है। नहीं, तेरे को जो दशरथ ने दो वर तेरे को देने वाला था तो वो वर अभी मांग ले। एक बार क्या मांग लो, मेरा बेटा राजा बनेगा, और एक बार मांग लो 14 वर्ष क्या होगा, बनवास जाएंगे। ये मंत्र का कुछ डिटेल से थोड़ा सा उन्होंने ये बार मांग लिया। दशरथ से दशरथ तो बहुत अचंभित हो गए, जी मेरे को राम को राज्य से करना है और पहले से ही वो दो वर मांग लिया, तो राज्य से नहीं हुआ। उन्होंने दशरथ उसी टाइम तुरंत मेरे बोला, जी मेरा पिता ने वचन दिया था माता को दो वर देंगे, तो वर दो वर तो हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, मैं वनवास जाऊंगा। कितना देखिए मनोभाव, देखिए पिता का मान रक्षा करने के लिए पिता ने उनका सिर्फ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तब भी रामचंद्र वो बात ले लिए कि पिता ने दो वर देने बोला था तो मैं द्वार से माता ने भरत को 14 वर्ष राज सिंहासन में बैठाएंगे, भरत को आज मेरे को 14 वर्ष वनवास जाना है। तो जब रामचंद्र ने अयोध्या छोड़कर के वनवास जाने के लिए तैयार कर रहे थे तो माता सीता ने भी बोलते हैं, प्रभु जी आप मेरा पति है तो मेरा कर्तव्य है क्या आपका संग में रहना, आप जहां पर है वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरा सब कुछ है, तो आप नहीं रहोगे घर तो मैं क्या करूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपका संग में जाना चाहता हूं। तो रामचंद्र को संदेह है, तुम जा नहीं पाओगे, वहां पर बहुत जंगल है, वहां पर कांटा छुपेगा, ये छुपेगा, बहुत कठिन परिस्थिति आएगा, तो आप संभाल नहीं सकोगे, आप यहां पर रहो, मैं 14 वर्ष वनवास करके मैं वापस आऊंगा। अच्छा नहीं नहीं, आपका चरण आपका पैर में कांटा छुपेगा, आप कष्ट सहन करोगे, और मैं कैसे राजभवन में रहूंगा, आनंद में कैसे रहूंगा, जब पति जब पति पता नारी होता है, जब पति का कष्ट होता है तो वो नारी को भी पत्नी को भी कष्ट होता है। तो भगवान ने उस टाइम स्वीकार कर लिया, ठीक है तुम जाना चाहते हैं तो चलो। तो लक्ष्मण ने भी शुरू कर दिया, नहीं भैया आप मेरा प्राण स्वरूप है, आपका संग में मेरे को जाना है, आपका मेरा जीवन अधूरा है और आपका सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। क्या हुआ है? मेरा जन्म हुआ, आपका सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो मैं भी आपका संग में मैं जाऊंगा। तो रामचंद्र स्वीकार कर लिए दोनों को, सीता माता को और लक्ष्मण को। उस टाइम भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, ये सारे से चल रहा है, कोई कई वर मांग लिया, उस टाइम भरत शत्रुघ्न नहीं थे, क्या था उसका दादा का घर में गए थे। तो जैसे भी सुना थे रामचंद्र का वनवास हो गया, माता ने वर ले लिया पिताजी से, 14 वर्ष वनवास रामचंद्र को और मेरे को राजा घोषित करेगा। भरत तो आया इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए, माता ने तू पाषाण हो,
जी मेरा देव तुल्य मेरा भैया है, कैसे सोच लिया जी मैं उनको छोड़ करके मैं राजगति में बैठूंगा? मैं नहीं बैठूंगा और मैं आज से तुमको मुख दर्शन नहीं करूंगा। तो भरत ने बहुत दूर पहुंचा, माता बोला ऐसा माता ने कभी नहीं देखा, पसान हो तुम्हारा हृदय, ऐसा करके चले गए। रामचंद्र और लक्ष्मण सीता माया ऑलरेडी चले गए, वन में चले गए। तो वन में चले जाते जाते थे बहुत कुछ संग में सारे अयोध्यावासी चलना शुरू कर दिया, अयोध्यावासी भी चलने शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं आप वहां जाओगे, मुझे नहीं नहीं हमारा राजा जी यहां पर जाएंगे, हम वहीं पर जाएंगे, मुझे नहीं नहीं आप सब मत आइए, आप सभी यहां पर रह जाइए, मैं वापस 14 साल के बाद मैं वापस आऊंगा। तो सबको समझा करके प्रजा प्रजा को सबको समझे समझा करके राज्य में रख दिया। तो वन में जाने के लिए कुछ घोड़ा का रथ का बंदोबस्त किया। तो रामचंद्र नहीं बोला जी मेरा वन वनवास मतलब क्या होता है, घोड़ा में चल के जाएंगे? नहीं, पूरा पैडल नहीं जाऊंगा मैं, वनवास का जो रीति है वही रीति वाला करके जाऊंगा। तो भगवान इतना कृपालु है, उनका सारे रामचंद्र का जो चरित्र है बहुत महान है, बहुत महान है, इसलिए उनको बोलता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो चलते 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 जब वन में आए तो भरत सुन लिया जे भैया वन में उड़े चले गए, तो भैया तो लेने के लिए आए। भरत शत्रुघ्न माता को ऐसा डांट, माता जी को बोल रहे तुम पसंद हो, मैं तुम कैसे सोच लिया जी मैं भैया को गद्दी में नहीं बैठ कर मैं बैठूंगा राजगद्दी में, कैसे सोच लिया? मैं कभी बैठ कर नहीं, इसलिए भैया को मैं ले आने के लिए जा रहा हूं वन में। तो भरत ने शुरू कर दिया जाने के लिए। मैं भरत वन में गया, राजा रामचंद्र को दर्शन किया, भैया को भैया का दर्शन करते ही भरत ने साष्टांग प्रणाम कर दिए। कभी भी उनका मन में नहीं था, भरत का मन में एक भी नहीं था जी मैं राजा हूं, मेरे को राजा बना गया। राजा बोला जी भैया मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आप चलिए राजगद्दी खाली है आपके बैठना है। जी नहीं मैं तो पिताजी को मैं वचन दिया हूं जी, मैं पिताजी का वचन है वो पालन करने के लिए मैं वन में आया हूं जी। नहीं नहीं मैं माता को बोल करके वो वचन वापस ले लूंगा, तो नहीं हो सकता, प्राण जाए जाए वचन ना जाए, रामचंद्र का रीति है। तो वचन पालन करने के लिए रामचंद्र प्राण भी जा सकता है, पिताजी का जो वचन दिए थे। किसने बोला नहीं भाई आप गद्दी संभालो, मैं तो वन में मेरा को जो पिताजी ने वचन दिया है वो करना है। उसके बाद क्या हुआ, भरत ने बोला मैं तो राज में गद्दी में बैठूंगा नहीं, इसलिए मेरे को एक ही कृपा कीजिए, मेरे को क्या कृपा करना है? भरत के गले लग गया, विदाई देने वाला है, वापस जाएगा भरत। तो मेरे को मेरे आपको चरण का जो पादुका है, क्या पादुका है? चरण पादुका है वो मेरे को दीजिए, जो वो लेकर मैं सिंहासन में रखूंगा और आपका पति छवि मान करके मैं राज्य पालन करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, मैं कभी भी आपका गति में नहीं बटूंगा, आपका चरण चिन्ह रहेगा और मैं उसी चरण चिन्ह देख करके मैं आपका आपका राज्य का मैं आपका वचन अनुसार ही मैं पालन करूंगा।
श्री रामचंद्र भगवान के। उसके बाद व्रत चले गए। जब रामचंद्र जा रहे थे कुटीर के पास जाने के बाद जब वन में जाएंगे तो उस टाइम में क्या हुआ, एक नदी मिला, नदी बहुत बड़ा नदी मिला, पर नदी को पार करना है। नदी को पार कौन करेंगे, जो नदी पार करता है उसका नाम था क्या, केवट। केवट का चरित्र बहुत सुंदर है, देखिए। तो नदी को पार करेंगे और केवट को मालूम पड़ गया कि रामचंद्र वनवास में आए और सीता माया सब में है और लक्ष्मण भी है। तो रामचंद्र जब नदी का तट में आए तो केवट को बोला, आप मेरे को ये नदी पार करा दीजिए। तो केवट ने इमीडिएटली समझ गए थे रामचंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कौन है, साक्षात भगवान है। उन्होंने भी सुना था जो पाषाण को प्यार में टच करने के बाद इमीडिएटली क्या हो गया था, अहल्या उद्धार हो गए थे। अहल्या पाषाण थे ना, उसको अभिशाप पर मिला था, अभिशाप मिलने के बाद भी जैसे भी टच किया और वो पाषाण से क्या हो गया, अहल्या जो औरत गौतम मुनि का पत्नी थे, क्या था, गौतम पत्नी थे, उसको उद्धार प्राप्त हुआ। उसी टाइम केवट ने बोलते, प्रभु एक तो बात है, मैं तो आपको पार नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता, नहीं आपको नहीं पार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुना हूं आपका तरुण लगने से पत्थर भी नारी बन जाता है, तो पत्थर भी नारी बन जाएगा, आप मेरा जो नाव है आप प्यार रखेंगे वो भी नारी मर जाएगा तो मेरा क्या होगा। मैं मुश्किल में हूं, मैं नहीं, अगर और मैं मेरा पत्नी है, मैं शादी शुदा हूं और वो बोलेगा कि मेरे को शादी करो तो मैं क्या करूं, और एक ही पत्नी को मेरे को देखभाल करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, मैं ये नाव चला के जो जितना भी मैं कमाता हूं उसमें कष्ट करके मेरा संसार चलता है, और ये भी आ जाएगा तो दोनों मेरे को मुश्किल हो जाएगा, मैं पार नहीं कर सकता। और ये जो नाव है, ये नाव से मेरा क्या करता है, पेट भरता है ना, ये नाव से मेरे को इनकम होता है, नाव से मेरे को दक्षिणा मिलता है, जो नाव पार कर देता है उनको मेरे को कुछ दक्षिणा देता है, तो उसी से मेरा खर्चा चलता है। अरे नाव भी नारी बन जाएगा तो मैं कैसे नाव चलाऊंगा, अरे नाव मेरा एक ही है और कुछ नहीं है, यही मेरा संभव है, इसलिए आपको मैं पार नहीं कर सकता। ये उनका केवट का बहुत इच्छा है कि भगवान को कैसे उनको पूजा करे, प्रेम करे, उन्होंने सारे प्लान तैयार किया मन मन में, तो बोले एक शर्त में आपको पार कर सकता हूं, बोले आपका चरण पहले कोई धूल नहीं चाहिए, सारे चरण में धोगे पूरा क्लीन करेंगे, उसके बाद आपका चरण मेरे नाम में पड़ेगा। तो रामचंद्र ने बोला ठीक है, मैं राजे हो जाए, तो राजे हो गए। तो जैसे भी प्रेम पूर्वक केवट ने चरण को धो रहा है, भगवान से रामचंद्र को चरण को धो रहा है, आनंद से धो रहा है, धो रहा है, धो रहा है, एक पैर धो रहा है जहां आरा पैर है, बोले प्रभु और एक पार नाव में मत रखिए, अभी जो एक पार में धो रहा हूं और एक पार कहां रखेंगे, मेरा गधी में रखिए, मेरा गधी में रखिए। तो ऐसा करके केवट ने ऐसा प्लानिंग किया, उन्होंने पूरा सुंदर भाव से उनका प्यार को धोआ, अगर धोआ नहीं उसमें चरणों में तो पिया। इसको देखकर लक्ष्मण बहुत गुस्सा आता है, अभी तो बोल रहा था तू पार नहीं करेगा, तो ये ड्रामा कैसे चल रहा है तेरा, तू अभी तो बोल रहा तू पार नहीं करेगा, तू ऐसा ऐसा कर रहा था, अभी तू ऐसा कर रहा है, लक्ष्मण तो बहुत गुस्सा आ रहा था।
तो चरणात्मक प्रिया तो क्या किया, नाव छोड़ दिया। तो नाव जैसे छोड़ा इतना धीर गति में जा रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है जी नाव जाया कितना दूर गया। क्यों ऐसा कर रहा है जी? भगवान को संग में मिला है, आज साक्षात भगवान आया है हमारा नाम में। तो कोई बंदा सोचेगा जी जल्दी पार कर दो उनको, वो तो सोचेगा जी मेरा संग में रहे बहुत लंबा टाइम मेरा संग जुटा है। तो नाम में धीरे धीरे जा रहा है। आज भगवान रामचंद्र तो सब मालूम है, ये एक वर्ष का ये महान उनका सेवा का मौका मिला, भक्त का सेवा जब मौका मिलता है भगवान की सेवा करने के लिए तो वो कसूर नहीं रखता है, पूर्ण रूप में सेवा करने के लिए प्रस्तुत करता है। जैसे वे उनको बोला, रामचंद्र बोला जी कितना दूर है, प्रभु जी और आ गए हम लोग, अभी हम आपको यहां से उतार देंगे। तो भगवान रामचंद्र ने बोला तुमको मैं ये जो तुमको पार मेरे को पार करवा दिया इसके लिए मैं आपको कुछ रुपया देता हूं, इसको एक लाख करो। तो केवल ने प्रभु मेरे को एक ही वचन दीजिए, इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक ही कृपा चाहिए। क्या चाहिए? मैं आज आपको ये नदी पार कर दिया हूं, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो ये भव सुमंत्र आप मेरे को पार कर देना, यही मेरा इच्छा है आपका चरण में संगम है। तो रामचंद्र ये सुनकर के केवल के बात सुनकर के बहुत गदगद गदे हो गए। तो ठीक है तुमको अंतिम में मैं तुमको ये भव समुद्र में उनको पार करा देंगे। श्री रामचंद्र भगवान के जय। चलिए हम सारा भजन गाएंगे श्री रामचंद्र का। रघुपति राघव राजा रापतित पावन सीताराम। बोलिए रघुपति राघव राजा जय जय रघुपति राघव
राजा राम अतित पावन सीता रघुपति राम Thank you.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.